होम एस्ट्रो चैनल्स आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश महाजन। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि दुनिया के हर कोने में एस्ट्रोलॉजी को लोग समझ सकें और इसका भरपूर फायदा ले सके। मैं सभी बुद्धिजीवी वर्ग को भी अनुरोध करता हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़ें और लोगों को एस्ट्रोलॉजी के प्रति जागरूक करें कि कैसे हम एस्ट्रोलॉजी से महत्वपूर्ण गाइडलाइन ले सकते हैं। आज का मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे हमारी मदद करती है कि हमें फॉरेन सेटलमेंट होगी, हम घर से दूर कामयाब होंगे या अपने घर में ही रहकर हमें कामयाब भी मिलेगी। हम इस वीडियो में ये सब कुछ जानते हैं। जब हम फॉरेन लैंड सेटलमेंट की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति, राहु और केतु, जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी तो हमें फॉरेन लैंड संबंधी, जहां हमें फॉरेन का वीजा लगने में आसानी रहेगी, ये सबसे बढ़िया टाइम होता है वीजा अप्लाई करने के लिए फॉरेन में जाने के लिए। इसके अलावा अब हम हाउसेस की बात करते हैं कि कौन से घर देखने हैं फॉरेन के लिए। फॉरेन के लिए मुख्यतः फर्स्ट हाउस, नाइन्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, इन घरों को देखते हैं। जब फर्स्ट हाउस में कोई भी चार राशियां हो, चार राशि एक नंबर, चार नंबर, सात नंबर और दस नंबर, यानी मेष, कारक, तुला और मकर, ये राशियां हैं, तो ऐसे जातक को अपने घर से बाहर ही सफलता मिलेगी या इनका काम कोई टूरिंग काम हो सकता है। या जो कोई जल्ले राशि है, जल्ले राशि चार, आठ, बारह, कारक वृश्चिक और मीन, यदि ये राशियां हैं फर्स्ट हाउस में तो भी जातक को टूरिंग काम से ज्यादा सफलता मिलेगी वनस्पति एक जगह बैठे रहने से। अब हम नाइन्थ हाउस की बात करते हैं। नाइन्थ हाउस मुख्यतः फॉरेन को इंडिकेट करता है। जितना ये हाउस बढ़िया होगा, हमारे फॉरेन में रहने के या सेटलमेंट होने के बहुत बढ़िया जोक बनाएंगे। जब नाइन्थ हाउस का हार्ट लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है या नाइन्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, ऐसे जातक को फॉरेन में आशातीत सफलता मिलती है अपने जोगों को पहचानने। यदि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जल्ली राशि में है या कारक वृश्चिक या मीन राशि है तो भी ऐसे जातक विदेश में कामयाब होती। अब हम ट्वेल्थ हाउस की बात करते हैं। ट्वेल्थ हाउस का मतलब फॉरेन, जब इसका लॉर्ड एट्थ हाउस में है, नाइन्थ हाउस में है या फर्स्ट हाउस में है तो ये फॉरेन को इंडिकेट करता है या इंडिकेट करता है आपको नेटिव लैंड से दूर सफलता मिलेगी। इसके अलावा ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड जब भी कोई जलीय राशि है, जलीय राशि मतलब कारक वृश्चिक मीन, तो भी आपका फॉरेन में जाना तय है। सबसे महत्वपूर्ण हाउस फोर्थ हाउस है, जो कि हमारे घर को इंडिकेट करता है। जब भी फोर्थ हाउस में पाप ग्रह या क्रूर ग्रह होंगे तो ये जातक को घर से बाहर कामयाबी दिलाएंगे या ये कह सकते हैं कि फॉरेन में कामयाबी दिलाएंगे। इसके अलावा जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस में जाएगा तो ये भी अपनी नेटिव लैंड से दूर कामयाबी दिलाएगा। आप अपने घर के आसपास या फैमिली बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते।
जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के साथ संबंध बनाता है तो ऐसा जाते अवश्य ही फॉरेन में परमानेंट सेटल होता है। जब फोर्थ हाउस अच्छी अवस्था में है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में ही है, जहां फोर्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा जातक विदेश में कभी भी सेटल नहीं हो सकता, ये अपने घर में ही सेटल होगा। ऐसे जातकों को अपने घर के आसपास ही कोई व्यवसाय ढूंढना चाहिए और वहां पर ही काम करना चाहिए। जब हम अपने ग्रहों के हिसाब से चलते हैं या देखते हैं हमें कहां पर कामयाबी मिलनी है, तो हमें रोजगार में दिन दुगने रात चुगने तरक्की मिलती है। मैं सब लोगों से अनुरोध करता हूं वो एम ओम एस्ट्रो चैनल के साथ जुड़े, वो महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करें जिससे सब विश्व का कल्याण हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।